6th class. I hope you all are well at your homes. Today we will do lesson number 3 of 6, government. ठीक है जी, आप कौन सा चैप्टर करेंगे? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार. ठीक है जी, जो लेट्स लर्न अबाउट इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट. सरकार क्या है? नीड फॉर अ गवर्नमेंट. हमें सरकार की क्यों जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ अ गवर्नमेंट. संविधान का क्या रोल है गवर्नमेंट में? रोल ऑफ अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या भूमिका निभाती है? सरकार. फॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट. कितने फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत में कैसी सरकार है? गवर्नमेंट रजे, सबसे पहले सरकार. अ गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल बॉडी विच एडमिनिस्ट्रेट्स अ स्टेट और कंट्री. कहते हैं सरकार हमारी राजनीति का एक अंग है जो हमारे पूरे देश या पूरे राज्य को चलाता है. द फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट आर. कहते जो हमारी सरकार है वो काम क्या क्या करती है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. हमारे देश में कानून और व्यवस्था को बनाकर रखती है. टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द कंट्री. हमारे देश के लिए वो नई नई नीतियाँ बनाती है. टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. लोगों के भले के लिए काम करती है. नीड फॉर अ गवर्नमेंट. हमें सरकार की जरूरत क्यों है? मैन इज अ सोशल बींग. ही हैज़ ऑलवेज बीन ट्राई टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ इन टू ग्रुप्स और कम्युनिटीज विद सम एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ लिविंग. हमारा इंसान क्या एक सामाजिक प्राणी है. ठीक है जी, जिस भी समाज में आप रहते हैं उसमें क्या होते हैं? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं रहने के लिए. दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सोसाइटी. तो हम जिसके अंदर रहते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं. इन अ सोसाइटी हमारे समाज में वी ऑल आर गाइडेड बाय सम लॉज. ठीक है जी, हमें सभी ही कुछ कानूनों के द्वारा गाइड किया जाता है. इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन मेंशन अरिस्टोटल्स व्यू दैट लॉ शुड गवर्न. अरिस्टोटल ने भी कहा था कि हमें कानून को मानना चाहिए, कानून की पालना करनी चाहिए. देर आर सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ विच आर टू बी फॉलोड इन अ सोसाइटी. कहते कितने ही नियम होते हैं. ठीक है जी, जो हमारे समाज में लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू लिव इन दैट सोसाइटी समबडी हैज़ टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ आर सोसाइटी. ठीक है जी, समाज में ये रूल्स बने रहें तो इसके लिए क्या है? कुछ कोई बंदा मैनेज करना मतलब होना चाहिए. मतलब मैनेज कैसे करेगा वो? उसको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या, हमारी सोसाइटी है उसके अंदर क्या हो रहा है. तो सभी कामों की कोई ना कोई तो नज़र रखेगा. तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की ज़रूरत होती है. द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे समाज के अंदर. इन अ कंट्री लाइक इंडिया. देखो हमारा देश जैसे कि इंडिया, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल इन टू लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री. टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी आर स्ट्रक्चर्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड विच एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स. दिस बॉडी कम्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक्ट एज अ मेडिएटर और डिसीजन मेकिंग बॉडी. हेल्प टू रिजॉल्व द डिफरेंसेज इन ओपिनियन क्रिएटेड इन अ सोसाइटी. देखो हमारा देश है जैसे इंडिया, ठीक है, हम हर एक बंदे की आवाज़ है. ठीक है जी, अलग अलग के तौर पर कानून के तक नहीं पहुँचाते हैं, पहुँचा सकते हैं. तो इस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए समाज में एक स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है. ठीक है जी, कि जो हर बंदे की आवाज़ है जो कानून तक पहुँच सके. तो इस बॉडी को क्या बोलते हैं अपन? सरकार बोलते हैं. क्योंकि जो सरकार होती है वो हमारा क्या काम करती है? मीडिएटर, यानी कि हमारे मिडिल मैन का काम करती है. जो हमारे सारी जो हमारी बातें होती हैं आगे तक किसी ना किसी के द्वारा पहुंचाई जाती हैं. हेल्प टू रिजॉल्व, कहते जो क्या करती है? हमारी हेल्प करती है रिजॉल्व यानी कि सोल्यूशन देने में द डिफरेंसेस इन ओपिनियन क्रिएटेड इन अ सोसाइटी. अगर समाज के अंदर लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ अ गवर्नमेंट. इट इज़ अ सिस्टम. कहते संविधान क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल विच आ स्टेट आ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड. कहते ये क्या है? कानून और व्यवस्थाओं का एक समूह है जिसके द्वारा हमारा पूरा देश चलता है. विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज पावर एंड अथॉरिटी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंट्री. कानून के नियमों की वजह से ही जो हमारे देश में जो सारी शक्तियाँ हैं और अधिकार होते हैं हमारे देश के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं. एवरी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन मस्ट अबाइड बाई द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहते जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे देश में राज करती है तो उसको क्या आता है? संविधान के जो प्रावधान होते हैं उनकी पालना करनी होती है, यानी कि जो संविधान के नियम होते हैं उन सभी नियमों की पालना करनी पड़ती है. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक रिटन, रिजिड एंड फ्लेक्सीबल. कहते जो संविधान है वो कई टाइप का होता है. जैसे कि रिटन, किसी देश का संविधान तो लिखती है, किसी का अनलिखती है. रिजिड, किसी का बहुत क्या है
कठोर है, यानी कि और क्या, फ्लेक्सिबल, लचकीला, जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच विद डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है जी, कहते हैं हमारे संविधान के अंदर कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, इन मसलों के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, कैनेडा, फ्रांस एंड इंडिया आर रिटन. कहती जो संविधान रिटर्न है वो किससे है, USA, कनाडा, फ्रांस और इंडिया का संविधान क्या है, लिखती रूप में है हमारे पास. वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज अनरिटन, जबकि जो UK का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या है, अनरिटन है, अलिखित है. ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर मोस्टली रिजिड. कहते हैं जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो मतलब लिखती संविधान होता है, एक बुक होती है जिसके अंदर हमारे लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कहते हैं वो बहुत टफ होते हैं, यानी कि उसके अंदर इजीली चेंज नहीं कर सकते आप. द कंसेंट ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA इज वन सच एग्जाम्पल. ठीक है जी, तो इसके अंदर जो आप कोई भी सोच है, यानी कि अपने संविधान के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हो, आप वो चेंज तो ला सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड इजली इज नोन एज फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन. कहते जिस संविधान के अंदर आप कोई भी सोध आसानी से कर सकते हो, वो क्या होता है, फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है. फ्लेक्सीबल यानी कि लचकीला, इसीलिए बोला जाता है जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सीबल भी है. रिजिड यानी कि उसमें काफ़ी आपके लिए रूल्स सख्त भी हैं, लेकिन आप उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो. इट कैन बी अमेंडेड बाई एग्जिस्टिंग लॉ मेकिंग प्रोसेस procedures. The constitution of the UK is one of such example. The constitution of India is partly rigid and partly flexible. कहते हैं आप क्या है, लॉ मेकिंग procedures के अंदर क्या कर सकते हो, amend कर सकते हो, यानी कोई भी सोध कर सकते हो. जैसे कि UK का संविधान है, इसकी एक example है. इंडिया का संविधान क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, rigid है और क्या, flexible भी है, सख्त भी है और लचकीला भी है, जिसके अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हो. रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या रोल है, ठीक है जी, हमारी सरकार का. Our government plays a crucial role in the lives of the people by taking some important decisions. कहते हैं सरकार एक important role play करती है हमारे आम लोगों की ज़िंदगी में, कुछ important decision लेके. In our family, आपकी family में ही मान लो, कहते हैं when two children quarrel, ठीक है, दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, इट इज़ आइदर द फादर और द मदर हु स्टेप्स टू स्टॉप द क्वार. कहते फादर या मदर को स्टेप लेना पड़ता है कि आपकी जो फाइट है उसको क्या करें, स्टॉप कराएं. द पेरेंट्स टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन. फिर भी पेरेंट्स जो भी कोई डिसीजन लेते हैं, पहले बच्चों को क्या करते हैं, वो अच्छे से सुनते हैं और उनके आधार पर ही वो कोई डिसीजन लेते हैं. सिमिलरली वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है वो भी हमारे लोगों के भले के लिए काम करती है और हमारी रक्षक का काम करती है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीडरशिप टू द कंट्री बाय टेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन. कहती है जो गवर्नमेंट है वो हमारी क्या होती है, लीडर होती है, ठीक है जी, नागरिकों के अधिकारों की क्या करती है, जो रक्षा करती है, उनके लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है वो बहुत अच्छे से लेती है. इट ऑल्सो परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, हमारे लिए काम भी बहुत करती है, सच एज इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. हमारे देश को रक्षा प्रदान करती है बाउंड्रीज से, यानी कि हमारे देश के अंदर कोई भी हमलावर है, वहाँ पे क्या होती है, हमारे देश की सेना तैनात होती है. जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, उस बॉर्डर्स पर वो सैनिक लगाकर हमारी रक्षा करती है. मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, हमारे लिए क्या करती है, कानून और व्यवस्था को मेंटेन करके रखती है. क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेल्स एंड ब्रिजेस सो दैट डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस. सड़कें बनाती है, रेलों का जाल बिछाती है, पुल वगैरह बनाती है, ताकि हमारा देश है वो तरक्की करता रहे. इवन ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमिटीज, यानी कि कोई भी नेचुरल क्लाइमिटीज हो जाती हैं, जस्ट लाइक आप ये मानो कोई स्टॉर्म आ गया, ठीक है जी, या फ्लड्स आ गई, तो इन नेचुरल क्लाइमिटीज़ में भी और एमरजेंसीज में गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क्स राउंड द क्लॉक टू इंश्योर द सेफ्टी फॉर द अफेक्टेड पीपल. तो उसका काम होता है कि वो लोगों को देखे कि उनको कोई भी अगर जिसको अफेक्ट हुए हैं, इससे प्रभावित हुए हैं, तो उनको सुरक्षा दे. इट ट्राइज टू मेंटेन गुड रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज बाय कोऑपरेटिंग विद देम. और हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी हमारी जो सरकार है वो अच्छे संबंध बनाकर रखती है. फॉर्म्स ऑफ आर गवर्नमेंट, यानी कि अब क्या है, पढ़ेंगे कितनी फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती हैं अलग अलग देशों के अंदर. डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट डिफरेंट मैथड्स ऑफ फंक्शनिंग, दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच गवर्न देम डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिसीज डिवेलपमेंट एक्सेप्ट
पॉलिटिकल इश्यूज वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. कहते हैं हर एक देश है ठीक है जी, उसके काम करने के तरीके क्या है अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके कानून है जो नियम है वो भी क्या है अलग अलग होंगे ना सरकार के लिए. उनकी राजनीति, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि उनके राजनीतिक मसले, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं. अब हमारे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक. द वर्ड डेमोक्रेसी हैज ड्रीव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस मीनिंग पीपल, क्रिएट्स मीनिंग अथॉरिटी ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी वर्ड्स ग्रीक शब्द से लिए गए डेमो से. डेमो का मीनिंग क्या है लो. क्रिएट्स मीनिंग अथॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों को अधिकार दिलाना. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. तो इसके लिए इब्राहिम लिंकन ने कहा भी हुआ है कि हमारे देश की सरकार देश की ठीक है जी लोगों के लिए, लोगों के और लोगों के द्वारा बनाई गई ही सरकार है. जो ये गवर्नमेंट है इसको इलेक्टेड गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल वोट फॉर देम. आप क्या करते हैं वोट डालते हैं और अपनी सरकार को चूज करते हैं. देयरफॉर इसीलिए इट इज़ अ डायरेक्ट चॉइस ऑफ द पब्लिक. ये क्या है लोगों की सीधी चॉइस होती है. इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. लोगों को अधिकार है ठीक है वो सरकार की प्रक्रिया में क्या करता है योगदान डालता है. एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल है. द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, लोगों के ऊपर सहाय है जो हमारी सरकार. ऑटोक्रेसी यानी कि निरंकुशता. निरंकुशता इन एन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी के अंदर जो पावर्स होती हैं यानी कि शक्तियाँ होती हैं आर कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सर्टेन कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के हाथों में ही होती हैं. दिस कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का ग्रुप भी हो सकता है एंड इंडिविजुअल एक बंदा भी हो सकता है. आप पर्टिकुलर क्लास या कोई खास क्लास का आदमी हो सकता है. आप पोलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक नेता हो सकता है. द अथॉरिटी विच एक्सरसाइजेज द पावर कैन नॉट बी क्वेश्चन. कहते जिसके ऊपर जिसकी शक्तियों के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हो. द पीपल डोंट हैव फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है जी यहाँ पे लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की यानी कि अपना प्रतिनिधि चूज करने की परमिशन नहीं होती है. विच इन टर्न बिकम्स एन ऑप्रेसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंस. ये हमारे क्या है प्रतिकूल भी गवर्नमेंट बन सकते हैं यानी कि आपके ऑपोजिट गवर्नमेंट भी बन सकते हैं. मिलिट्री रूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि मिलिट्री रूल है कहते हैं वो ऑटोक्रेसी की एक बेस्ट एग्जाम्पल है. वेयर द पावर इज कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, जिसमें जो सारी पावर्स है वो मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में थी है. वो अपनी सेना के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहे वैसे वो ले सकता है. हु डिटरमाइंस द फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट, जो सारे राज्य के फंक्शंस को देखता है. नॉर्थ कोरिया एंड फिजी आर एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज अंडर द मिलिट्री रूल, यानी कहते हैं नॉर्थ कोरिया और फिजी दो ऐसी देश हैं जो कि मिलिट्री रूल के अंदर हैं. टुमोरो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रेजिडेंटली यूनिट्री फेडरल, सरकार के बारे में पढ़ेंगे अपन. और जो हमारी गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है हमारे देश को चलाने में वो अपन रेड डाउन करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली.